मैं डॉक्टर कंचन भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको अपने एक और पेशेंट से मिलाने जा रही हूँ जो कि अस्थमा से ग्रसित थे। आज वो ट्रीटमेंट लेके भारत होम्योपैथी से पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं। तो आइए जानते हैं सीधे मेरे ही पेशेंट की जुबानी की उनको कितना आराम आ चुका है, वो पूरे तरीके से ठीक हो चुके हैं। जी हाँ, मेरे पेशेंट का नाम है सुनील जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, तो डायरेक्ट मैं आपको उनसे ही मिलाती हूँ। सुनील जी बताइए मुझे कि आप कहाँ से बात कर रहे हैं। मैं महाराष्ट्र थाने से बात कर रहा हूँ। ओके, महाराष्ट्र से बात कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको ठीक होके? सर बहुत बढ़िया लग रहा है मैम। ओके, तो आपने हमारे यहाँ से ऑनलाइन ट्रीटमेंट लिया था? जी मैम, ऑनलाइन लिया। ओके, तो आपको ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेने से पहले आपके शरीर में ऐसे कौन से सिम्टम्स दिखाई दिए, कब से आप परेशान थे? मैम सांस लेने में दिक्कत होता था, गले में खरखराहट होती थी, सीटी आती थी सोने में, फिर चलने में दिक्कत होता था। अच्छा, तो मेडिसिन लेने से पहले आपको सीने में आवाज आती थी, सीटियों जैसी, सांस लेने में दिक्कत होती थी, और क्या महसूस करते थे आप? और मैं सांस फूलता था और गैस बनता था, दर्द रहता था सीने में। अच्छा, सीने में दर्द भी रहती थी, सांस भी फूलता था और गैस बनती थी। तो ये सब चीजें जब आपके साथ हो रही थी तो सबसे पहले आप कहाँ पे गए, कहाँ गए दिखाने? मैं पहले मैं आयुर्वेदिक किया था, नहीं मुखा हुआ, फिर उसके बाद इधर एलोपैथ में किया था, नहीं आराम हुआ, तो उसके बाद एड देखा आपका, तो उससे मंगाया। अच्छा, तो कितना पुराना हो गया था आपका अस्थमा जो आज पूरी तरीके से आप ठीक हो चुके हैं? मैम हो गया था 4-5 साल के ऊपर हो गया था। ओके, 4 साल, 4 और 5 साल से आप सफर कर रहे थे अस्थमा से। इसके लिए आपने एलोपैथी मेडिसिन भी खाई हैं और वैदिक भी खाई हैं, तो क्या इन दोनों चीजों से आपको आराम नहीं आया, बिल्कुल आपके सिम्टम्स में आराम नहीं दिखा था? मैम आराम का मतलब जब तक दवा खाता था तब तक आराम था जी, छोड़ने बाद वही सही हो जाता था। अच्छा, तो फिर जब आपने हमारे यहाँ से ट्रीटमेंट लिया ऑनलाइन तो आपके सिम्टम्स क्या क्या कमी नजर आई और कितने महीने में आपको दिखा कि हाँ पहले महीने की दवाइयाँ ली, कितना आराम आया आपको? मैम ये 10-15 दिन के बाद आराम मालूम देने लगा कि हाँ कुछ आराम दिख रहा है। अच्छा, 15 दिन बाद ही आपको आराम दिखना स्टार्ट हुआ, वो आराम कौन से सिम्टम में ज्यादा आपको दिखा था? सांस के प्रॉब्लम में ज्यादा दिख रहा है, सांस की प्रॉब्लम में। अच्छा, तो जब आपने पूरे 15 दिन मेडिसिन खाई तो आपको जो सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ आ रही थी उनमें कुछ फर्क दिखा था? जी मैम। अच्छा, और साथ में और क्या दिखा? और मैम जो दर्द रहता था, चलने में दिक्कत होता था, वो सब मुझे थोड़ा थोड़ा आराम दिख रहा था। अच्छा, और साथ में हमने आपको एक डाइट भी दिया था फॉलो करने के लिए, तो क्या डाइट फॉलो किया साथ में आपने ट्रीटमेंट के दौरान? प्रॉपर किया था। अच्छा, तो आप बता सकते हैं क्या क्या डाइट आपने फॉलो किया हमारी? जी मैम। क्या क्या डाइट आपने फॉलो किया? मैम मैं ताला बुला नहीं खाता था, बाहर का कुछ सामान नहीं खाता था, और मांस मछली नहीं खाना रहता था, अंडे का ऊपरी का भाग खाना रहता था, बीच का नहीं खाना रहता था। अच्छा, तो फिर आपको दूसरे महीने की भी ट्रीटमेंट जब आपको यहाँ से गई तो फिर आपको उसमें कितना सुधार नजर आया? जी मैम बहुत आराम है। अच्छा, पहले क्या आपको इनहेलर लेने की जरूरत पड़ती थी? जी मैम वही शुरू हुआ था इनहेलर का, वही महीने में शुरू हुआ था, तो आपका एड देखा, तो उसके बाद वही 15 दिन किया था इनहेलर का काम लिया था, फिर उसके बाद नहीं लिया, आपका दवा खाने लगा तो नहीं। अच्छा, तो जब आपने हमारी मेडिसिन लेनी स्टार्ट की तो फिर आपका इनहेलर कितने दिन में बंद हो गया लेना, बाकी आपकी जो मेडिसिन चल रही थी जैसे कि आपकी एलोपैथी मेडिसिन, वो कितने दिन में आपको बंद हुआ फिर? कितने दिन में आपका इनहेलर जो है हमारे मेडिसिन लेने के बाद आपने उसको स्टॉप कर दिया? मैम वही 15 दिन का दवा खाया, फिर वो एलोपैथी दवा पूरा छोड़ दिया, आप ही का दवा खाया। अच्छा, 15 दिन की मेडिसिन लेने के बाद आपने एलोपैथी मेडिसिन और इनहेलर सारे बंद कर दी थी? बंद कर दिया पूरा है। अच्छा, तो इसका मतलब ये आपको 15 दिन में बहुत ही ज्यादा आराम आया, बहुत ज्यादा हुआ। अच्छा, तो अभी आपके घर में जो आपकी फैमिली है, आपके मदर फादर भाई बहन, क्या वो ट्रीटमेंट से खुश हैं? बहुत ज्यादा खुश है। अच्छा, तो अभी कैसा महसूस कर रहे हैं आप ठीक होके? मैम जैसे पहले था वैसे ही अब महसूस होता। अच्छा, जैसे पहले आपको अस्थमा नहीं था
अब आपका अस्थमा बिल्कुल क्योर हो चुका है, तो अब अच्छा महसूस कर रहे हैं? अच्छा, तो बाकी जो अस्थमा से सफर करते हैं पेशेंट, उनको लगता है कि सिर्फ इनहेलर और सिर्फ एलोपैथी मेडिसिन ही है जो उनको पूरी उम्र सिर्फ लेना है तभी वो सर्वाइव कर सकते हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? मैम, मैं कहता हूँ कि इधर पैसा करने से बात होम्योपैथ सबसे बेटर हमारे लिए और सबके लिए। अच्छा, और क्या आप उनको मैसेज देना चाहते हैं जो पेशेंट को लगता है कि होम्योपैथी से इसका इलाज नहीं है, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? मैम, होम्योपैथ में पूरा सबका इलाज अच्छे से होता है, जड़ से होता है, और एलोपैथ में क्या होता है, जब तक दवा खाओगे तब तक ही आराम रहेगा। जी बिल्कुल, और हमारे यहाँ के जो डॉक्टर्स की टीम है, जो आपके फॉलो अप डॉक्टर्स हैं, उनके कॉन्टेक्ट में आप रेगुलर तरीके से बने रहे, हर हफ्ते उनकी कॉल्स आ रही थी आपके पास? जी मैम, कॉल 15 दिन पे, एक हफ्ते पे प्रॉपर आ रहे थे। आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमारे डॉक्टर्स की टीम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसे आपने सहायता किया। ठीक है, ओके सुनील, अब आप पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं। ठीक है, अभी कुछ टाइम और आपकी मेडिसिन चलेगी, देन आपकी मेडिसिन को स्टॉप कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब आपको इस अस्थमा से रिलेटेड कोई भी परेशानी, अब आपको इन फ्यूचर में कभी भी सफर नहीं करना पड़ेगा, इवन कि आपको अब कहीं से भी इस चीज की मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके मैम।